हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल हेल्दी एंड प्लेट। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम बनाएंगे बिना तेल वाले आलू की चटपटी सब्जी और साथ में बनाएंगे सत्तू की कचौरी, वो भी दो तरीके से। जीरो ऑयल आलू करी बनाने के लिए एक गरम कढ़ाई में थोड़ा खड़ा गरम मसाला, साबुत जीरा, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और हल्दी डाल के लो फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। थोड़ी चॉप्ड गार्लिक डाल के सैटे करेंगे और फिर पानी और टमाटर डाल के टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर हम इसमें बॉइल्ड पोटैटो डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम मसाला और पानी डाल के उबाल आने तक पकाएंगे। फिर लास्ट में कोरिएंडर लीव से गार्निश करेंगे। तो हमारा चटपटी टैंगी आलू करी तो रेडी है। तो चलिए कचौरी की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले कचौरी के लिए डो प्रिपेयर कर लेंगे। उसके लिए हमें लेना है व्हीट फ्लोर, उसमें थोड़ा सा डालेंगे घी, अजवाइन, नमक। इसे डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमें इस तरह की बाइंडिंग अचीव ना हो। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करते हुए इससे एक सख्त सा डो प्रिपेयर कर लेंगे और फिर इस डो को 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए देंगे। जब तक कि हमारा डो रेस्ट हो रहा है, हम आइए स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए सत्तू के आटे में अजवाइन, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, नमक, नींबू का रस, कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके एक मॉइस्ट सा मिक्सचर प्रिपेयर कर लेंगे। रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स, डिटेल्स विद क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आटा भी हमारा सेट हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे लोइयां काट के मिक्सचर का थोड़ा सा फिलिंग कर लेंगे और फिर बेलन से हल्के हाथों से थोड़ा सा इसे बेल के पतला कर लेंगे। ध्यान रहे बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है हमें, तकरीबन 2 mm की मोटाई रखनी है। ओवन में कचौरी बेक करने के लिए एक पैन लेंगे, उसे अच्छे से ग्रीस करेंगे। फिर कचौरी को कुछ इस तरह से फैला करके उसके ऊपर से भी घी लगाना न भूलें। फिर इसे 180 डिग्री पे 10 मिनट तक बेक कर लें। या फिर आप इसे गर्म कुकिंग ऑयल में धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। आप किसी भी तरीके से बनाएं, पर दोनों ही केस में आप जरूर उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। सर्व करने के लिए आप चाहो तो कचौरी और आलू की सब्जी की अलग अलग प्लेटिंग कर सकते हो और सोने पे सुहागा हम डालेंगे इसमें इमली की चटनी। या फिर मेरे स्टाइल में खाने के लिए आप यूं कचौरी को क्रश करके प्लेट में डालिए, फिर उसके ऊपर आलू की सब्जी पोर कीजिए, फिर इमली की चटनी डाल के प्याज ज्यादा पसंद हो तो भी डाल लीजिए। फिर इस लजीज सत्तू की कचौरी विद जीरो ऑयल आलू करी को एंजॉय कीजिए। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज। बाय बाय।